नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं, पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने एक बिल का डेमो रखा है, तो इसी प्रकार से मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा किस प्रकार से बिल में कहां पर कैलकुलेशन कैसा लगाते हैं, कहां पर एडजस्ट करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर एक नई शीट ले लेंगे। तो हमने यहां से एक नई शीट ले ली है। अब हमें क्या करना है, पाँच कॉलम को मर्ज करना है। तो ये हमने पाँच कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है और इसे हम कर लेंगे मर्ज। और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी शॉप का या जो भी आप कंपनी का नेम है वो लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने लिख दिया है AR कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसके नीचे आपको क्या करना है, एड्रेस लिख देना है। तो इसके लिए आपको फिर से पांच कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसे हम यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। ये अभी हमने लिख दिया एड्रेस, इसके नीचे आपको फिर से यहाँ पर इसे पांच कॉलम को मर्ज करना है, और यहाँ पर आप सेंटर में लिखेंगे बिल इनवॉइस। ये हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर है कुछ कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और इसे बॉर्डर दे दीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बिल नंबर, इसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ आइटम्स, इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। और उसके बाद आपको लिखना है रेट, फिर आएगा क्वांटिटी, और लास्ट में आपको लिखना है अमाउंट। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ये लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बिल नंबर लिखना है। तो बिल नंबर हमारा चालू होगा 1001 से, तो ये हमने लिखा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1002। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कॉर्नर पर पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम इसे नीचे तक लेके जाएंगे। तो ये हमने ले लिया है बिल नंबर 1001 से 1010 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बॉर्डर दे देंगे। ये हमने दे दिया बॉर्डर, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से ए पर क्लिक करके इसे सेंटर में कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम, जो जो आइटम हमें सेल करना है उसके हम पूरे नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो पहला हो गया मॉनिटर, सेकंड पेन ड्राइव, तीसरा हमने लिख दिया कीबोर्ड, और फिर हो गया मदरबोर्ड। तो ये हमने हमारे आइटम्स लिख दिए हैं जो जो है। सबसे पहले मॉनिटर, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, UPS, हार्ड डिस्क, USB केबल, RAM, मदरबोर्ड। ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी है, ये सारी की सारी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर रेट लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर जो है रेट पूरा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी सी पर क्लिक करके और इसे यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे, जितनी भी क्वांटिटी आप चाहें उतनी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्वांटिटी लिख दिया। अब यहाँ पर हम डी पर क्लिक करके इसे भी सेंटर में कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बराबर लगाएंगे। बराबर के बाद आपको क्या करना है, रेट वाले सेल पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने रेट में ले लिया सबसे पहला 4500, और इसके बाद हमें क्या करना है, इंटू लगाना है। इंटू लगाने के बाद हमें क्या करना है, क्वांटिटी पर क्लिक करना है। तो क्वांटिटी में सबसे पहला जो है 5 है। तो अब हमने क्लिक कर दिया है, और अब हमको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, कैलकुलेट हो गया, और जो टोटल अमाउंट है वो आ गया हमारा 22500। इसे हमें क्या करना है, ई पर क्लिक करना है और सेंटर में कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिल को सेट भी करते जा रहे हैं और बिल हमारा कंप्लीट भी होते जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अमाउंट जहाँ पर 22500 लिखा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन बना है, इसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये देखिए, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था 22500 में, वही फॉर्मूला नीचे तक आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ तीन लाइनों को यहाँ पर हम बॉर्डर दे देंगे। और अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर में जाकर हम यहाँ पर इसे मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल, और बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है GST, ये हमने लिख दिया यहाँ पर GST। इसके बाद लास्ट में जाएगा ग्रैंड टोटल, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर इसे नीचे तक जोड़ना है। तो टोटल में हमको क्लिक करना है, और आपको इधर राइट साइड में आना है, यहाँ पर देखिए ऑटो सम मिलेगा, ऑटो सम पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटो सम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है, और आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करना है। तो एंटर जैसे ही करोगे आप, तो आपका यहाँ से टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर GST लगाना है। तो GST लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद आपको जो टोटल है उस पर क्लिक करना है, इसके बाद इंटू लगाना है, यहाँ पर आपको करना है 18, इसके बाद भाग का निशान लगाना है, और
फिर करना है आपको 100 और एंटर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका जीएसटी आ गया है पॉइंट में। इसके बाद आपको नीचे ग्रैंड टोटल में आ जाना है। ग्रैंड टोटल में आपका ना बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पर आपको टोटल पर क्लिक करना है, प्लस करना है और जीएसटी पर क्लिक करना है इस तरीके से, और आपको एंटर कर देना है। तो टोटल आपका अमाउंट आ जाता है 96,512.2 यानी 20 पैसे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट वाले हैं इसे हटाना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए जनरल में यहाँ नंबर पोर्शन में आपको ये एरो दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके देख लेना है दोनों तरफ, या तो आप 0 लगा सकते हो पीछे, या फिर 2 भी हटा सकते हो, जो पॉइंट के बाद वाली वो संख्या हट जाएंगी। तो इस तरीके से आप पॉइंट के बाद वाली संख्या को हटा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो बिल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा सेट कर देना है। तो हमें क्या करना है, इन ऊपर के तीनों लाइनों को जो हमारी कंपनी का नेम है, एड्रेस है और बिल इनवॉइस है, इसे बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिल वाली लाइन को हमें क्या करना है, कलर कर देना है और बोल्ड कर देना है, और लास्ट में हमें ये तीनों को भी बोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो बिल है वो बहुत शानदार तैयार हो गया है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।